अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर एट इज ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेडथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेडथ इज 3.6 मीटर। लेंथ और ब्रेडथ दी गई है, इसका मतलब है ये फिगर है, वॉल है रेक्टेंगुलर शेपड, ऐसे रेक्टेंगुलर शेपड। इस वॉल की लेंथ है 4.5 मीटर और ब्रेडथ है 3.6 मीटर। ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेडथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। इस दीवार में एक दरवाजा फिट किया हुआ है जिसकी लेंथ है 2 मीटर और ब्रेडथ 1 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग द वॉल। हमें बताना है कि अगर हम व्हाइट वॉश करेंगे इस वॉल का तो इसका कॉस्ट कितना होगा। If the rate of the whitewashing the wall is rupees 20 per meter square, अगर per meter square का cost बनता है 20 per meter square, तो हमें बताना है कि इस whitewash करने को कितना पैसा लगेगा इस दीवार का। तो देखिए, ये दीवार है जिसकी लेंथ 4.5 मीटर है और ब्रेड 3.6 मीटर है और इसी में फिट किया गया है ये डोर। व्हाइट वॉश हमें वॉल का करना है न कि डोर का, लिहाजा हम किस तरह निकालेंगे कि हमें इसके लिए इस वॉल का एरिया निकालना है, मगर हमें सिर्फ व्हाइट वॉश करना है वॉल का, डोर का व्हाइट वॉश नहीं होता करना है। तो हमें क्या करना है, हम पहले एरिया निकालेंगे इस दीवार का, फिर एरिया निकालेंगे डोर का। तो जो पूरा दीवार का एरिया है उसमें से डोर का ये एरिया हम सबट्रैक्ट करेंगे, बाकी जो बचेगा उसी का हम निकालेंगे कि उस पर कितना कास्ट लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू 4.5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ वॉल 3.6 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ वॉल वो उसके लिए फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4.5 इंटू 3.6 इक्वल टू, यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 इंटू 3.6, 6 5s are 30, 3 carry, 6 4s are 24 प्लस 3 27, 3 5s are 15, 3 4s are 12 और 1 13, 0 7 plus 5 12, 3 plus 2 5 प्लस 1 6 और यहां 1 आ जाएगा। डेसिमल डालेंगे हम, यहाँ 1 के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 के बाद और 2 के बाद हमें डालना है यहाँ। सो द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 16.20 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया निकालेंगे डोर का, हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ डोर इज 2 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ डोर इज इक्वल टू 1 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ डोर इज लेंथ इंटू ब्रेडथ इक्वल टू इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें यहां पूरे दीवार का एरिया जो निकलता है वो 16.20 मीटर स्क्वायर और इस डोर का एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, हमें व्हाइट वॉश करना है इस दीवार का, हम क्या करेंगे, जो ये दीवार का पूरा डोर समेत जो एरिया निकलता है उसमें से डोर का एरिया सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां, एरिया ऑफ
वॉल एरिया ऑफ वॉल टू बी व्हाइट वॉशिंग, जिसका हमें व्हाइट वॉश करना है वो 16.20 है, उसमें से हम निकालेंगे 2 मीटर, तो यहां निकलेगा 16 में से 2 निकालेंगे 14.2 मीटर स्क्वायर को, इतने यानी 14.20 मीटर स्क्वायर एरिया का हमें व्हाइट वॉश करना है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगता है ₹20, कॉस्ट यहां हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना कॉस्ट लगता ₹20, तो हमें देखना है कि कॉस्ट फॉर 14.20 मीटर स्क्वायर एरिया, 14.20 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, वो किस तरह निकलेगा, 20 को हम 14.20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पहले 0 लिखेंगे, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, डेसिमल 2 के बाद डालेंगे, इसका मतलब है ₹284 रुपए इस पूरे दीवार का व्हाइट वॉश पर खर्च होगा। शुक्रिया।